Hello, students. Today I am going to start off with a very important topic, and that is the cultural environment. And this topic is studied under the subject Global Business Environment for the students of MCOM fourth semester. First of all, students, we should know what is culture. So, what is culture? It is defined as a society's way of living, that is, a group behavior pattern depicted by an individual living in the society so from this particular definition we can conclude that culture is what culture is the way in which an individual lives in a society and adopts the pattern which has been depicted by the group of people living in that society so when we inherit that that becomes a culture right in other words we can say that culture is the sum total of the knowledge belief customs law rules habits which आर बीन अक्वायर्ड बाय द ह्यूमन बींग्स बींग अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी ओके सो कल्चर मोल्स एंड डिकटे द डिजाइन ऑफ द लिविंग ऑफ द पीपल कल्चर हमें क्या बताता है कल्चर हमें बताता है कि हमें कैसे रहना है क्या रूल्स हैं क्या लॉ है क्या वैल्यूज होती हैं ठीक है क्या, क्या नॉलेज है बिलीफ है जो भी चीज़ें हम इनहेरिट करते हैं बीइंग अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी एक समाज में रह के जो भी चीज़ों को हम अपनाते हैं उसी को हम कल्चर कहते हैं उसी को हम सभ्यता और अपनी संस्कृति कहते हैं ठीक है हैंस गुलस्ट ने भी कल्चर को डिफाइन किया है उन्होंने काफ़ी इसका जो है ब्रॉड इलास्ट्रेशन दिया है कल्चर का मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगी वॉट इज़ कल्चर तो इन इनके अकॉर्डिंग कल्चर क्या है कल्चर जो है लाइफ की फिलासफ़ी है इट इज़ द फिलोसफी ऑफ लाइफ जिसमें हम लोग वैल्यूज़ नॉर्म्स रूल्स ये सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं मटीरियल एंड निम प्रोडक्ट्स फ्राम दीज और जो कि एक ह्यूमन बींग अपने पास जनरेशन से एक्वायर करता है और इसको वो फॉरवर्ड करता है अपने नेक्स्ट जनरेशन में ताकि हर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के कल्चर्स को डिफ्रेंशिएट कर सके ठीक है वी ऑल नो दैट इंडिया इज रिच कल्चर वी हैव लॉट ऑफ रिलिजन इन इन इंडिया एंड एवरी रिलीजन हैज़ दियर ओन कल्चर राइट सो कल्चर इज व्हाट इट इज द वे इन विच एन इंडिविजुअल लिव इन द सोसाइटी बिहेव इन अ सोसाइटी एंड द ग्रुप बिहेवियर पैटर्न बीइंग अ मेंबर ऑफ दैट सोसाइटी इन दैट वी कॉल इट एज कल्चर स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो कि अभी जो है कोरोना वायरस इस समय बहुत ही फास्ट पेस में फैला हुआ है हमारे कंट्री में एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड सो so, आपको याद होगा कि जब स्टार्ट हुआ था कोरोना वायरस का ट्रांसमिशन जब वो फैल रहा था तो पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड दे स्टार्टेड सेइंग नमस्ते टू ईच अदर लाइक यू नो लाइक दे स्टार्टेड ग्रीटिंग ईच अदर बाय ज्वाइनिंग देयर हैंड्स रादर दैन बाय शेकिंग देयर हैंड्स नाउ दिस इज वॉट दिस इज आर इंडियन कल्चर राइट वी ग्रीट पीपल बाय ज्वाइनिंग आर हैंड्स टुगेदर बाय टचिंग देर फीट्स वी डोंट शुक हैंड्स वेरी ऑफन सो दिस इज वॉट दिस इज आर इन कल्चर तो कल्चर क्या है हमार ये हमने कैसे सीखा है हमने अपने बड़ों को करते हुए ऐसे देखा कि वो लोग हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं दे जॉइन दे हैंड्स टुगेदर एंड दे ग्रीट पीपल अराउंड देम सो दिस इज वाट दिस इज आर कल्चर एंड हाउ वी हैव अडोट्टड वी हैव अडोप्टडेड फ्राम द सोसाइटी वेर वी आर लिविंग इन सो दिस इज वट वी कॉल इट एज कल्चर ना वाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कल्चर कल्चर के एलिमेंट्स क्या क्या हैं द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कल्चर इज मटीरियल कल्चर मटीरियल कल्चर का मतलब क्या होता है मटीरियल कल्चर मीन्स दैट विच हैज अ डायरेक्ट सिग्निफिकेंस इन इंफ्लुएंसिंग द कल्चर जो डायरेक्टली हमारे कल्चर को इन्फ्लुएंस करता है उसको हम लोग मटीरियल कल्चर कहते हैं दो चीज़ें हैं जो हमारे कल्चर को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती हैं फर्स्ट इज द टेक्नोलॉजी एंड सेकेंड इज द इकोनॉमिक्स दट इज टेक्नोलॉजी वी ऑल नो टेक्नोलॉजी इज द टेक्निकल नो हाउ And its understanding is urgently required for the economic growth of any country. It is very, very important if there is no technical know how, then will grow the economy. So, technology is very, very important for the enhancement of the economic growth of any country. Okay, so and the next is the economics. Economics is what it refers to the manner in which people do the work and employ their capabilities to get the resultant. बेनिफिट्स इकोनॉमिक्स क्या है मैनर इन विच पीपल डू द वर्क किस तरह से लोग काम करते हैं और अपनी केपेबिलिटीज को कैसे जो है एम्प्लॉय करते हैं ताकि उनको जो है सो दैट दे कूड गेट द रिजल्ट इन बेनिफिट एंड दीज कूड भीज इंक्लूड प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन कंजम्शन इनकम एट्सेट्रा ठीक है सो दस मटीरियल कल्चर अफेक्ट द लेवल ऑफ डिमांड एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन टाइप ऑफ प्रोडक्ट डिमांडेड राइट तो so, इस तरह से जो है मटीरियल कल्चर कल्चर को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है नेक्स्ट वी कम टू द सोशल इंस्टीट्यूशन दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कल्चर सोशल इंस्टीट्यूशन इंक्लूड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ठीक है तो ना व्हाट डू यू मीन बाय सोशल ऑर्गेनाइजेशन दिस मींस द वे पीपल रिलेट टू ईच अदर फॉर एग्जांपल एक्सटेंडेड फैमिलीज रोल ऑफ वेमेन क्लास और कास्ट तो हर कल्चर का अपना एक अलग सोशल कल्चर होता है राइट एवरी कल्चर हैज़ अ डिफरेंट सोशल कल्चर तो वहां पे क्या पोजीशन है क्या स्टेटस है उस सोसाइटी में दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज सोशल कल्चर ओके नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सोशल कल्चर तो सोशल और सोशल कल्चर द वे इन विच पीपल रिलेट टू ईच अदर एंड ट्राइज टू डेवलप अ सिस्टम ऑफ लिविंग पीसफुली एंड गवर्न देमसेल ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट एजुकेशन व्हाट इज एजुकेशन एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन अफेक्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ कैसे अफेक्ट करता है मोर लिटरेट द पॉपुलेशन मोर इज द डेवलपमेंट एंड वाइसी वर्सा ओके

अगर हम लोग बात करें डेवलप्ड इकोनॉमीज और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज की तो सुपर स्टेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अब सुपर स्टेशन क्या होता है लाइक फॉर एग्जाम्पल आप लोग ने कई बार सुना है कि अगर आ, एक बिल्ली रास्ता काट देती है तो कुछ अशुभ हो जाता है नहीं जाना चाहिए नॉ वॉट इज दिस इज अपर स्टेशन राइट ये एक सुपर स्टेशन है ये आपकी मान्यता है अब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो सुपर को नहीं मानती लेकिन जो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज हैं सुपरस्टेश को मानती तो सुपरस्टेशल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल देन कम्स बिलीव नाउ वट इज बिलीव बिलीव सिस्टम ऑफ पर्सन इज डिपेंडेंट अपॉन टू इज रिलीजन अब हर अलग अलग धर्म हर अलग अलग जाति में जो है उनके अलग अलग विचारधाराएं होती हैं ठीक है ठीके? तो बिलीव सिस्टम इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच नीड्स टू बी डिस्कस्ड वाई बिकॉज द बिलीव सिस्टम ऑफ अ पर्सन इज हेविली डिपेंडेंट अपॉन द रिलीजन and religion of different types have different impact on the value system habits of the people their outlook their way they live and the way they buy in the markets so all these have an influence next is language now what is language it is the most important part of or we can say it is the most important element of culture why because language is the uh, language is the focal point to do any business right अगर हम किसी भी इंटरनेशनल बिजनेस अगर हम कोई भी इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहते हैं तो हमें एटलीस्ट वी शुड नो द लैंग्वेज ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री बिकॉज अगर हमें लैंग्वेज ही नहीं पता रहेगी अगर हम उस लैंग्वेज को समझ ही नहीं पाएंगे तो कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाएगा और अगर कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाएगा तो कोई बिजनेस फिर हो ही नहीं सकता सो लैंग्वेज इज़ द बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड and different countries have different language and every marketer must understand the different languages for having an effective communication with the markets and people so language is one of the most important and difficult thing to master but to have a successful business it is very very important to know the language that exists in that country where you want to do the business okay नेक्स्ट इज एस्थेटिक्स एस्थेटिक्स इंडिकेट्स अ कल्चर सेंस ऑफ ब्यूटी एंड गुड टेस्ट इट इज़ कंसर्न विद इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट म्यूजिक ड्रामा एट्सेट्रा देखिए हर कंट्री का अलग अलग कल्चर होता है और हर कल्चर की अपनी अपनी कुछ ना कुछ ब्यूटी होती है तो अगर आपको कहीं भी बिजनेस करना करना है इंटरनेशनल बिजनेस करना है मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस को खोलना है तो वहाँ के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसके वहाँ के कल्चर की ब्यूटी को समझिए ट्राई टू अंडरस्टैंड उनका क्या कल्चर है उनके आर्ट क्या है म्यूजिक्स क्या है ड्रामा क्या है उसको जब तक आप को रिलेट नहीं करेंगे आप अपने बिजनेस को डेवलप नहीं कर पाएंगे सो द मार्केटर नीड टू हैव अ कल्चरली करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ कंट्रीज एस्थेटिक वैल्यूज एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके सो दीज आर समी एलिमेंट्स ऑफ कल्चर नॉलेज चॉक अबाउट दी कल्चरल वैल्यूज कल्चरल वैल्यूज का मतलब क्या होता है कल्चरल वैल्यूज रेफर्स टू दी कल्चरल डाइवर्सिटी दैट एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज कल्चरल वैल्यूज का मतलब कल्चरल डाइवर्सिटी हर कंट्री का कल्चर हर दूसरे कंट्री के कल्चर से बहुत अलग होता है देयर इज अ वाज डिफरेंस ठीक है तो जब इतना बड़ा डिफरेंस होता है तो एवरी एवरी मार्केटर नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट कल्चरल डाइवर्सिटी

खुद की सुनना सिर्फ खुद की समझना और किसी और को न सुनना ना समझना यहाँ पे लिखे ना वन इज द ओनर ऑफ हिज और हर लाइफ तो यहाँ पे आई जो है आई दिस इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच रिफ्लेक्स इन आई मेटेलिटी एंड टेन टू रिवॉर्ड एंड एक्सेप्ट इंडिविजुअल इनिशियेटिव ठीक है हर इंडिविजुअल अपनी इनिशिएटिव से हर एक काम करना चाहता है राइट इसको इंडिविजुअलिस्टिक कहते हैं और जब हम कलेक्टिविज्म या कलेक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट दैट लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल डज नॉट बिलोंग टू हिम और हर बट बिलोंग टू द ग्रुप और सोसाइटी तो यहाँ पे वी वाला कॉन्सेप्ट आता है ठीक है कलेक्टिविज्म कलेक्टिविज्म का मतलब होता है वी यानी वी हैव टू वर्क टुगेदर वी हैव टू वर्क इन अ ग्रुप सो दिस कलेक्टिविज्म इंडेक्स इज बेस्ड ऑन दैट we are a part of the society and it indicates the degree of social or community integration okay so on the contrary when we uh, when we are talking about the collectivism that means we are talking about the we approach rather than i approach okay next is power distance now what is power distance it measures the tolerance of सोशल इनवालिटी दैट इज पावर इनकॉलिटी बिटवीन सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट विद इन अ सोशल सिस्टम पावर डिस्टेंस का मतलब होता है कि uh, कितना जो है पावर टॉप लेवल के हाथों में यानी सुपीरियर्स के हैंड्स में और कितना जो है सबॉर्डिनेट्स के हैंड में तो कल्चर्स जहाँ सो द कल्चर वेव विच इज़ हाई पी डी आई स्कोर जहाँ पे पी डी आई यानि पावर डिस्टेंस इंडेक्स ज़्यादा होता है दैट आर मोर हाईकल यानी वो ज़्यादा ऑटोक्रेटिक होते हैं ठीक है और वो ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं पसंद करते हैं और जहाँ पे पी का स्कोर लो होता है टेन टू वैल्यू इक्वालिटी एंड साइट नॉलेज एंड रिस्पेक्ट आ सोर्स ऑफ पावर और जहाँ पे लो पी होता है वहाँ पे क्या होता है वहाँ पे वो लोग जो भी जो जिनके हाथ में पावर होता है उनको वो रिस्पेक्ट करते हैं राइट दे ट्राई टू गिव रिस्पेक्ट दे साइट देर नॉलेज ये चीज़ें होती हैं

और सुपीरियर और सबॉर्डिनेट्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है और जहाँ पे लो पी होता है वहाँ पे ऐसा नहीं होता है नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स ना अब ये इंडेक्स क्या है इट मेजर्स द टॉलरेंस ऑफ अनसर्टेनिटी एंड एम्बिग्विटी अमंग मेम्बर्स ऑफ द सोसाइटी ये बताता है कि जो अनसर्टेनिटी और एम्बिग्विटी का टॉलरेंस लेवल क्या है किसी भी सोसाइटी के मेंबर्स में सो कल्चर्स विथ हाई यू ए आईज कोज आर हाईली इनटॉलरेंट ऑफ एम्बिग्विटी एंड एज अ रिजल्ट टेन टू बी डिस्ट्रस्टफुल ऑफ न्यू आइडियाज ऑफ बिहेवियर जहाँ पे हाई यू ए आई होता है वहाँ उस कल्चर के लोग जो होते हैं वो बिल्कुल भी टॉलरेंट नहीं होते हैं हाईली इनटॉलरेंट होते हैं अगर उनको कोई न्यू आइडियाज दिया जाता है तो वो बिल्कुल भी उस पर विश्वास नहीं करते हैं दे टेन टू हैव हाई लेवल ऑफ एंगजाइटी एंड स्ट्रेस और उनको गुस्सा भी बहुत आता है बट जहाँ पे कल्चर में लो स्कोरिंग uh, होती है यू की लो स्कोर होता है वहाँ पे लोग जो है रिस्क लेते हैं और रिस्पेक्ट uh, करते हैं और उनके अंदर एंजाइटी और स्ट्रेस जो है वो कम होता है एंड दे आर विलिंग टू टेक मोर ऑफ रिस्क ओके नेक्स्ट इज मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी इंडेक्स नाउ मैस्कुलिनिटी क्या है इट इज़ सिचुएशन इन विच सक्सेस मनी मटीरियल थिंग्स डोमिनेट द सोसाइटी मैस्कुलिनिटी में सक्सेस है मनी है मटीरियल थिंग्स हैं ये सोसाइटी को डोमिनेट करते हैं और जहाँ पे जिस कल्चर में फेमूनिटी होती है वहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट होता है वहाँ पे क्या है? Others, so, index, पे होता है देयर आर केयर फॉर अदर्स क्वालिटी ऑफ लाइफ डोमिनेट्स सो कल्चर विद हाई मैस्कुलिनिटी इंडेक्स जहाँ पे हाई मैस्कुलिटी इंडेक्स होता है दैट इंकरेज लार्ज स्केल इंटरप्राइज विदाउट केयरिंग फॉर द इन्वायरमेंट ठीक है और जहाँ पे लो मैस्कुलिनिटी इंडेक्स होता है यानी जहाँ फेमिनिटी होती है वहाँ पे स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेज होती है एनवायरनमेंट के बारे में सोचा जाता है एंड वुमेन होल्ड हाई लेवल जॉब्स आर कॉमन ओके सो दीज आर द फोर दामोनेंट दीज आर द फोर प्रोमिनेंट इंडेक्स ऑफ द कल्चर वैल्यूज आई होप आपको समझ में आया होगा सो थैंक यू सो मच